खबर की शुरुआत ये कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। आप कहेंगे एक मामला इतना बड़ा कैसे, हम कहेंगे महाराष्ट्र के चुनाव हैं, शरद पवार कई अहम पदों पर रहे हैं और ये मामला गबन के इल्जाम से जुड़ा है हजारों करोड़ का। क्या है मामला? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम। ये चीजें 22 अगस्त से हरकत में आने लगी। 22 अगस्त को क्या हुआ था? बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया, अजित पवार समेत 69 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश। ईडी ने जांच शुरू की तो शरद पवार का नाम भी शामिल किया, उनके खिलाफ ईसीआईआर दर्ज हुई। आप कहेंगे एफआईआर और ईसीआर जबान फिसल गई, हम कहेंगे ये एक और टर्म है। क्या मतलब होता है ईसीआईआर का? एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये एफआईआर के बराबर की ही बला होती है। केस दर्ज हुआ तो एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में ईटी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिए। एक शहर का नाम और भी उछला, बारामती, शरद पवार का गढ़। एनसीपी ने बारामती बंद करने का ऐलान किया। विधानसभा चुनाव करीब है, सियासत तो होनी ही थी। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार बताते हैं कि एनसीपी बीते समय में छिटकी है, पुराने नेताओं और पूर्व मंत्रियों ने पद छोड़े हैं, भाजपा और शिवसेना के खेमे में गए हैं। शरद पवार कहते आए हैं कि सरकार एजेंसियों का डर दिखाकर हमें मजबूर कर रही है। इल्जाम ईडी पर भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार के इशारे पर शरद पवार के लिए परेशानी खड़ी हो रही है। पर मामला जानना जरूरी है जिसमें शरद पवार का नाम आया, और फिर आप अपने हिस्से का फैसला करें। एक बैंक है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अजित पवार और बाकी कई बड़े नाम इस कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर हुआ करते थे। अलग अलग शाखाएं थी, अलग अलग जगहों पर डायरेक्टर्स और निदेशकों की गड़बड़ियों के इल्जाम सामने आए हैं। ईडी के अफसर बताते हैं कि मामला 25,000 करोड़ का है। इल्जाम है कि आरोपियों की मिली भगत के चलते 2007 से 2011 के बीच बैंकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब 2007 से नहीं 2001 से चल रहा था। बैंक के निदेशकों पर गलत तरीके से लोन जारी करने के आरोप हैं। लोन दिए गए कुछ लोकल चीनी और कताई मिलों को, इनमें से कई लोग बैंक के पदाधिकारियों के करीबी थे। आरोप हैं कि जिस दर पर इन संस्थाओं को लोन दिए गए वो दरें भी काफी कम रखी गई थी। फिर जो डिफॉल्टर हुए उनकी संपत्तियों को कम कीमतों पर बेच दिया गया, इससे भी बैंकों को नुकसान हुआ लेकिन खरीदारों को फायदा। तो कुल जमा बात यह आई कि सस्ते लोन देने और उनके भुगतान न होने से बैंक को 2007 से 2011 के बीच लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नाबार्ड और महाराष्ट्र के सहकारिता विभाग की एक रिपोर्ट भी सामने आई, इसमें तमाम नुकसान के लिए बैंक के कर्ता धर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया गया। इस रिपोर्ट के बाद कोई केस दर्ज नहीं हुआ। तब एक्टिविस्ट सुरेंद्र अरोड़ा ने मामले की शिकायत EOW यानी आर्थिक अपराध शाखा में की। वहां के बाद याचिकाओं के जरिए मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और जिस पर यह आदेश आया। अजित पवार पर आरोप लगते हैं कि जब गलत चीजें हो रही थी उस दौरान वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे और उस पद का फायदा भी उन्होंने उठाया। अब ईडी ने मामले में शरद पवार का नाम जोड़ दिया है तो मामला राष्ट्रीय हो गया है, सियासत तेज हो गई है। पवार मीडिया के आगे सफाई दे रहे हैं, बताते हैं कि शुक्रवार को वो ईडी के सामने पेश होंगे। 1980 में आंदोलन में गिरफ्तार हुआ था, अब जीवन में दूसरी बार ऐसा मौका आएगा, ये भी पवार का बयान है। देखिए किस तरीके से संदर्भ जोड़े जा रहे हैं, संदेश देने की कोशिश हो रही है कि जनता साथ है, सरकार खिलाफ है। ईडी को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसका फायदा हमें होगा, ये एनसीपी को लगता है। जनता को क्या लगता है समझ में आ जाएगा और कोर्ट तो विवेक सम्मत फैसला देगी ही।